फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। मैं आपको बाद में रिव्यू भी देता हूँ, फेयर्स भी बताता हूँ, सब कुछ करते हैं, लेट्स डिस्कस करते हैं, अभी रिलैक्स होने दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कैसे हैं आप लोग जी। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, हमारी छुट्टियाँ हो गई, मतलब ईद की छुट्टियाँ मिल गई। ईद के बाद एक हफ्ते तक छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ। बस अभी सीधा जाते हैं, चेंज वेंज करते हैं, प्रिपेयर होते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं और फिर सीधा निकलते हैं पेशावर के लिए। सो भाई जी, आप लोग इतनी देर में गेस कीजिए कि हम लोग किस में जाएंगे, बस में जाए, ट्रेन में जाए या फिर जहाज़ में जाए, तो किस में जाएंगे। और इंशाल्लाह आज शाम तक ही कराची को छोड़ के रहे, कराची से निकलते हैं और जाते हैं पेशावर की तरफ, और आपके साथ पूरी जर्नी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप सोचते रहिए क्या हो सकता है, जस्ट गेस। हकुना मटाटा। पैकिंग तो होती रहेगी, दुनिया के काम काज ये सब कुछ चलते रहेंगे, बट एज यू ऑल नो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अल कुरान। मेरी बुरी हालत हो रही है यार, असल में रोजा इफ्तार करना था, रोजा इफ्तार किया, रोजा इफ्तार करने के बाद मैं डायरेक्ट निकल आया हूँ। मेरी कैसी टाइम हालत हो रही है ये आप देख सकते हैं। मैंने रिक्शा ले ली है, अभी मैं चलता हूँ इंशाल्लाह और दूसरी बात यह है, मैं जिस चीज़ से डर रहा था ना वही मुसीबत हो गई। एक्चुअली तारा मजा ने उन्होंने कहा था कि तुम लोग टिकट 2 घंटे पहले बाय कर लेना। आप 2 घंटे पहले तो अफ्तार ही थी, रोज़ा खुल रहा था, मैं वहाँ पर रोज़ा खोलता या फिर यहाँ पर टिकट खरीदने आता। बाय द वे मैं आ गया, सीट तो इन्होंने दे दी, कोई और सीट दे दी, लेकिन इन्होंने कोने में मुझे बिठा दिया, कहते हैं कि जो बिल्कुल एंड में सीट है, सामने सीट है ही नहीं। सो देट्स अ प्रॉब्लम फॉर नाउ, बट अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ यार कोई सीन करते, थक गया हूँ यार बहुत, अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, कुछ सही से खाना भी नहीं खाया, इफ्तारी भी सही से नहीं की है, अब जल्दी भाग दौड़ में निकल आया हूँ। देखते हैं फॉर नाउ, कुछ प्लान करते हैं, कुछ खाने पीने का भी लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, एंड आई थिंक बस यहीं पर ही आएगी, अभी तक तो आई भी नहीं है, लेकिन इन्होंने वही सीट का रोला हो गया मेरे साथ। कुछ ले लेते हैं खुद के लिए, आई थिंक हाँ बस यही सही है, दो ये हो जाएंगे। चलो आओ आकर हम लोग ये कुछ खा लेते हैं जब तक गाड़ी आती है। ये मैंने ले लिया लेमन मोल्ट, लेट मी ईट। क्या भाई ये हमें सीट दी गई है और उसमें भी कह रहा है पता नहीं कि क्या लिखा है, बॉस आई चेंज माई सीट, मैं पीछे से यहाँ आ गया। अब ये जो है ना ये सही सीट है, देखो यहाँ पे लेग्स पे, उसमें तो तीन ही यार, वहाँ पे तो तीन ही, लेट आने का ये नुकसान था यार। बट चलो हमारा काम हो गया। ये देख लो आ गई फैसल मूवर्स वालों की रिफ्रेशमेंट, पता नहीं क्या दिए, देखते हैं। इट्स अ पिज़्ज़ा स्लाइस विद अ लोटे चोको पाई, अबे सालो ये स्लाइस किए, कसम खुदा की यार ये पिज़्ज़ा है क्या, 8,000 रुपये में हमें ये मिल रहा है, टिकट प्राइस इज 8,000। बस पिज़्ज़ा की पैकिंग वो दूर से देखो भाई, अच्छा खासा 7 इंच का साइज़ है, अच्छा खासा लगता है 6-7 इंच का है, लेकिन करीब जब आता है तो फिर ये ड्रामा हो जाता है। इट्स फाइन, आगे आगे देखते हैं होता क्या है। पिज़्ज़ा के साइज में बिल्कुल धोखा हुआ था, लेकिन क्वालिटी में बिल्कुल भी नहीं हुआ, अच्छा था, फ्रेश था। ये एक और डब्बा मिला है, चलो आइए इसको खोलते हैं कि इसमें क्या है। क्वालिटी में वही, ये तो ऊपर लेस पड़े हुए, लेस इज सकर, अभी हम सकर में मौजूद है।
अच्छा भाई, शहरी का टाइम हो चुका है, तकरीबन 4:15 बज रहे हैं और यहाँ पर ये रही हमारी बस। और बस से उतरते ही हमें टोकन मिल गया और कह रहे कि भाई हॉल के अंदर जाए, शीशे वाली हॉल में, और ये लोग हमको शहरी कराएंगे। शहरी मतलब उनकी तरफ से है, फैसल मोड्स की तरफ से। सो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो हमने शहरी कर भी ली, मैंने सब कुछ खा भी लिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कर लिया, लेकिन ये हाल था। बस अच्छा था सेटअप, बुरा नहीं था। रास्ते में इतने सब कुछ मिल जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सो इट्स बेस्ट फॉर अस। क्या दिया? दाल दी एक प्लेट, दो रोटियां, दो चपातियां और एक प्लेट आलू एंड गोश्त। सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ शहरी करने के लिए। शहरी फैसल मोड्स की तरफ से दीज आर द फैसिलिटीज विच वी आर गेटिंग, आपको बताता जा रहा हूँ। सो ये रही हॉल, ये हमारी बस, ब्लैक कलर, काले काले शीशे। राइट नाउ वी आर इन मुल्तान। मुल्तान हम पहुंच चुके हैं, फजर भी हो गई, अभी तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। आधे से ज़्यादा सफ़र हो चुका है, थोड़ा सफ़र रहता है, थोड़ा थोड़ी नींद में हूँ। असल में मैं पहले जाऊँगा इस्लामाबाद, क्योंकि कराची की पेशावर की बिज़नेस क्लास थी नहीं, तो यही मैंने बिज़नेस क्लास करा ली कराची टू इस्लामाबाद। फिर इस्लामाबाद से मुझे दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी फ्रॉम इस्लामाबाद टू पेशावर। इसकी सीट्स हैं ना, ये वो बिज़नेस क्लास सीट्स नहीं है जो कि होने चाहिए थे, जो कि नॉर्मली होते हैं। इसके एक तो स्क्रीन भी छोटे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके सीट्स में मसाज नहीं है। सो एंड तीसरी बात यह है कि ये इनके जो ये लेग रेस्ट है ना, ये वो कंट्रोल नहीं है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल नहीं है, न्यूमेटिक कंट्रोल है मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रिक कंट्रोल नहीं है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल में जितना आप सेट करना चाहते हैं उतना ही होता है, और इसमें ये जो लीवर टाइप लगा हुआ है ना, इसको तुम पुल करो तो फुल ऊपर आ जाता है, फुल नीचे चला जाता है, बस इसका इतना ही मैकेनिज्म है। लेकिन ये फुल में भी ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा, और हालांकि वो तकरीबन इतना ऊपर आ जाता है जो इलेक्ट्रिक होता है, जितना तक तो वो आ जाता है। मैं खुद इसमें ट्रेवल तो कर रहा हूँ, लेट सम डिफरेंसेस जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। और चले जी, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं घर से, और आगे कुछ हुआ तो इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। फिर लोग तो यही दो तीन बातें थी जो आपको बता दी। बाय द वे एक बात है, हेडफोन अच्छे भी है यार, अच्छी क्वालिटी। एंड हियर वी कम। नमाज हमने पढ़ ली है और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। कलर का हाथ शुरू होने वाले, वो टॉप देखे, वो खूबसूरत है यार, ब्यूटीफुल देख के दिल खुश हो गया है यार। कराची में पहाड़ है ही नहीं, दूर दूर तक नज़र नहीं आते यार। आए आए, कुछ हरियाली दिखी ना, जान में जान आई कि हाँ भाई, अपनी ज़मीनों के करीब जा रहे हैं। हमारी तरफ हरियाली ज़्यादा है, हिल स्टेशन करीब है, इस वजह से। सो नाउ लेट्स गो। One eternity later. ये इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और मेरा सामान अंदर पड़ा हुआ है, देयर इज देयर। और अभी आए बात करते हैं एक गाड़ी के बारे में। सो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बस अच्छा ही कह सकते हैं, लेकिन जितने पैसे लिए बिजनेस क्लास वैसे वो कोई चक्कर नहीं था, बस गाड़ियाँ अच्छी थी, गुजारे के हाथ काबिल थी, लेकिन वो बिजनेस क्लास के नाम पे वैसे धोखा था बस। ये अब पता नहीं, ये पहली बार मैंने देखा है फैसल मोड्स में। बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ, बिजनेस क्लास में भी कर चुका हूँ, इकॉनमी में भी कर चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है मैंने पहली दफ़ा देखी है। बस बाय द वे, अगर कोई आना चाहता हो, ये चीज़ अगर कंफर्म हो सकती है कि बस देख सकते हो, सो वेल एंड गुड, ये कर लिया करो। अगर ये नहीं हो सकती, सो फिर तो किस्मत का खेल है सारा, जिसको कहीं भी अवार्ड दिया। बस राइट नाउ अभी इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने दूसरी टिकट ले ली है पेशावर के लिए, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, दूसरी गाड़ी आएंगी फिर इंशाल्लाह उसमें जाएंगे। रोज़ा तो हमारा रास्ते में ही इफ्तार हो जाएगा, जिस तरह सहरी रास्ते में की थी उसी तरह इफ्तारी भी रास्ते में ही आएगी इंशाल्लाह, देन वी विल गो बैक। मेरे ख्याल से गाड़ी आ ही गई इस्लामाबाद टू पेशावर के लिए। ले ली है, एक सैंडविच है और एक मोगू, बहुत मज़े का होता है।
ये आप भी कभी ट्राई कीजिएगा, ये दोनों बहुत मज़े के होते हैं। सो ऐसे इफ्तारी करेंगे, बाकी कजूरे वजूरे वो लोग भी दे देंगे, मेरे पास अपनी भी है, लेकिन नाउ लेट्स गो। हमारा बस हमारा वेट कर रही है। गुड बाय। ये नाउ वी आर ऑन द वे टू विश्व, पहुँच जाएंगे यार 2 घंटे। रोज़ा खोल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल मूवर वालों ने यहाँ पर सिर्फ पानी और खजूरें दिए, 3 खजूरें दिए, एक तो मैंने खा लिए और पानी दिए। खजूर अच्छी है, बुरी नहीं है। और वी आर ऑन द वे। आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका हूँ, वहाँ से निकल आया हूँ। सारे रिक्शा टैक्सी वाले तंग कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच चुका हूँ, बहुत खुश हूँ यार, अभी घर जाऊँगा, मज़ा आएगा यार। चलो अभी घर चलता हूँ, देखता हूँ, रोड पे निकलता हूँ, कुछ गाड़ी शाड़ी पकड़ता हूँ, गाड़ी वाड़ी लेता हूँ, और फिर देखते हैं ना क्या होता है। सो मेरी खुशी की इंतहा नहीं है यार। चलो चलते हैं, घर जाता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ व्हाट इज गोइंग ऑन। वेलकम टू द रोड्स ऑफ पेशावर। देखो ना यहाँ पर इफ्तारी का टाइम है, बिल्कुल रोड पर गाड़ियाँ ही नहीं है। कराची होता ना, इतनी गाड़ियाँ होती, इतनी गाड़ियाँ के दिमाग ख़राब हो जाती है। वेलकम टू पेशावर। अल्हम्दुलिल्लाह अपने रास्ते पे पहुंच चुके हैं, घर जा रहे हैं। ये फ्रूट के ठेले हुआ करते थे, गाड़ियाँ सारा फ्रूट ही फ्रूट बिकता है इस जगह में। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रीच सेफली, आराम और सुकून से घर पहुंच चुका हूँ, बहुत सुकून से, मज़े ही मज़े। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मेरा सफ़र था फ्रॉम इस्लामाबाद टू पेशावर वो नॉर्मल ही था, जिस तरह होता था उसी तरह ही हुआ है। मतलब अच्छा था, रिलैक्स था, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ यहाँ पर होती है ऐसी है, कोई एक्स्ट्रा लग्जरी है, कंफर्ट की गाड़ियाँ नहीं होती। सो दैट वाज गुड, उसमें मैं खुश था। लेकिन इफ्तारी में उन्होंने थोड़ी कंजूसी की थी, सिर्फ पानी दिए और 3 खजूर दिए बस। उस पर थोड़ा मैं तो नहीं था खपा खैर, लेकिन बाकी पैसेंजर भी बहुत खपा थे यार। यहाँ पर तो काम नहीं चल रहा है, ये तो पूरी दीवार थी, दीवार उन्होंने गिरा दी है, पता नहीं भाई कौन सा हुकूम के प्रोजेक्ट शुरू हो गया है यहाँ पे। चलो जो भी हुआ, दुआ करते हैं बेहतरी लेकर आए हमारे लिए ना, इसके बारे में भी फिर देखेंगे जो भी है। लेकिन जो भी था, बस अच्छा सफ़र गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम हैप्पी एंड आई एम टू मच हैप्पी कि मैं घर पहुँच चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रीच्ड होम, घर पहुँच गए। चलो जी अब चलते हैं, आज के व्लॉग का यहीं पे दी एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फिर किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हकुना मटाटा।